इसके पापा ने इसे बहुत मारा। यश थोड़ी देर के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसने मानस को देखा और चला गया। लेकिन बेटा ये बहुत देर पहले की बात है। मानस, उसने कुछ कहा तुझसे उसके रिजल्ट के बारे में? पता नहीं, ने सिर्फ इतना बताया कि जितने मार्क्स पापा चाहते थे उतने नहीं आए। उसके पापा ने उसको कहा था अगर उसके 90% से कम आए तो घर मत आना। अम्मा जी, आप ऊपर क्यों आ गए? मुझे नीचे बुला लिया होता, क्या हुआ? अरे यश की फिक्र लगी हुई है, परीक्षा का परिणाम आने वाला था ना आज, सुबह का गया है अब तक नहीं लौटा। आदित्य से कह जरा। वो तो शहर में नहीं है, चंडीगढ़ गया हुआ है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग है उसकी। हाँ तो प्रताप को फोन लगा, वो कह रहे थे कि उनकी भी कोई जरूरी मीटिंग है, पता नहीं कहाँ होंगे, फोन उठाएंगे भी कि नहीं। घर से बच्चा गायब है, ये जरूरी नहीं है क्या? और इन मोबाइल फोन वोन का फायदा ही क्या है जब इंसान जरूरत के वक्त बात ही नहीं कर सके। एक मिनट। हेलो। हेलो, क्या बात है? सुनो जी, ओ यश है ना, स्कूल से वापस नहीं आया है। देखो मैं अभी जरा मीटिंग में बिजी हूँ, घर की बातें शाम को घर पे भी आके हो सकती हैं। सुनो तो, क्या है कि आज ना यश का रिजल्ट निकलने वाला था, वही पता करने गया था पर स्कूल से वापस नहीं आया है, अम्मा जी को बहुत फिक्र हो रही है। ओफो, ये बच्चे भी बिल्कुल गैर जिम्मेदार होते हैं, अम्मा को बोलो बेकार में फिक्र ना करें, शाम होगी भूख लगेगी तो खुद खुद आ जाएगा। अच्छा सुनो, अब फिर से फोन मत करना, मैं मीटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि अभी तो वो मीटिंग में है, जैसी मीटिंग खत्म होगी ना वो फोन करेंगे। सब कुछ भी ना अभी ही होना था। वैसे ना यश को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि सब लोग कितनी फिक्र कर रहे होंगे घर पे। हर बार बच्चों की गलती नहीं होती है अमलता, कल रात केशव ने बहुत डांटा था उसे। अम्मा जी नीचे क्यों जा रही हो, यहीं बैठो ना, अकेली रहोगी तो और भी परेशान हो जाओगी। नहीं नहीं, नीचे बैठती हूँ, उन्नी भी गई है उसे ढूंढने, एक बार वो आ जाए तो पता चल जाए। चंचल, नारकंडा चलें क्या? वो क्या है? अरे तुम्हें नारकंडा नहीं पता, इन पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है, चलते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। क्या करेंगे वहां जाकर? वहां की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के छलांग लगाएंगे। देखो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां जाते ही तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा और वहां से हिमालय की चोटियां भी दिखाई देती हैं। ऐसा करो ना जवाहर, तुम अपनी जायदाद का हिस्सा भी सिद्धार्थ के नाम कर दो, फिर हम दोनों नारकंडा ही क्यों तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे हिमालय, और वहां जाकर बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखेंगे। क्यों चंचल, हर चीज में बुरा देखना जरूरी है क्या?
जिसकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, तो फिर क्या करूं मैं? अंधी हो जाऊं जवाहर, या फिर खुद से झूठ बोलूं कि नहीं सब कुछ ठीक है और हम तो बहुत खुश हैं? अब कौन सी बात चुभ रही है तुम्हें? यही कि तुम्हें क्यों कुछ नहीं चुभता? तो सिद्धार्थ धीरे धीरे सारा बिजनेस समेटता जा रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमें सूद भी नहीं मानता, लेकिन इस बात की भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। सबकी नजरों में भूपत राय सूद का वारिस बनता जा रहा है वो, और तुम जो कि असली वारिस है उसे नारकंडा घूमने की पड़ी हुई है। तो क्या करूं मैं चंचल, होटल के प्रोजेक्ट में टांग अड़ा दूं क्या? जबकि वो प्रोजेक्ट शुरू से ही सिद्धार्थ देख रहा है, और बाऊजी ने खुद उससे कहा है। तो बाऊजी तो कहेंगे ही उससे, लेकिन तुम्हें तुम्हें खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा जवाहर। वरना पहले जैसे तुम भुवन भाई साहब के पीछे पूछ लाते थे ना, अब सिद्धार्थ के पीछे पूछ लाना। लेकिन फायदा क्या है तुम्हें बार बार? अरे तुम दिन में 10 बार मुझे एक ही बात कहोगी तो क्या बदल जाएगा? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कब करना है, और मैं करूंगा चाहे तुम बोलो या ना बोलो। पुतुल, क्या हुआ पुतुल? तुम ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो और तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? बोलो पुतुल, बात क्या है? वो यश घर में, अभी तक घर नहीं आया है। ठीक है पुतुल, तुम रोना बंद करो प्लीज। देखो हम अभी जाके उसे ढूंढते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो कहीं चला गया? स्कूल जाने से पहले तुम्हें कुछ बता के गया था क्या? नहीं, आज उसका रिजल्ट है, गुस्से में था क्योंकि पापा ने उसकी कोई क्लास भी नहीं है। आज सीधे घर आ रहा था उसे, और उसके दोस्त ने बताया कि वो ठीक है पुतुल, हम अभी जाकर के उसे ढूंढते। सबसे पहले हम उसके स्कूल चल के देखते हैं, ठीक है? हाँ चलो गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? रोंदी क्यों पड़ी है? काका जी उसका छोटा भाई अभी तक स्कूल से घर वापस नहीं लौटा है, मैं साथ जा रहा हूँ उसे लेने के लिए, बस अभी थोड़ी देर में आता। लहदास यानी छेती किस तरह हो गए तुसी? और फिर बाऊजी ने मुझसे पूछना है कि लाल जी सिद्धार्थ पुत्र साइड से वापस आया कि नहीं, तो क्या जवाब देना है मैंने? कुछ भी कीजिए काका जी, मुझे पता है कि आप संभाल लेंगे। शिमला एक छोटा शहर, अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बस गया और आया। ध्यान नाल जाना। जी काका जी। यश को जानते हो? हाँ जी। आज स्कूल आया था? आया तो था लेकिन चला गया। कुछ बता के क्या कि कहाँ जा रहा है? नहीं, उसने रिजल्ट देखा और चला गया। पुतुल, यश मिल जाएगा हमें, तुम टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे उसे। ओके, आओ चलो कहीं और देखते हैं।
यश के किसी दोस्त का फोन नंबर याद है तुम्हें? कौन कहाँ रहता है अगर ये पता है तो हम घर घर जाकर देख सकते हैं। सिर्फ मानस का, वहां से तो मैं अभी मैं वहीं से तो आ रही हूँ। ओके इट्स ओके, डोंट वरी। देखो यहाँ के पुलिस कमिश्नर को जानता हूँ मैं, उनसे मिला था मैं, तो उनकी मदद से हम यश को ढूंढ लेंगे, उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पुलिस? नहीं, पुलिस को मत बताना प्लीज। पापा को पता चला तो पापा बहुत नाराज होंगे। तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा पुतुल, ओके? लेकिन अगर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो अकेले खुद ढूंढना पड़ेगा और टाइम बहुत लगेगा। सोचो पुतुल, कहाँ जा सकता है वो? जब परेशान होता है तो कहाँ जाता है? कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता। ओके इट्स ओके, अब ऐसा करते हैं मॉल रोड चल के देखते हैं, ठीक है? से कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे इसको, और उस बहुत जल्द मिल जाएगा वो। इसे नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां गया होगा, उसे तो ठीक से सोचा भी नहीं जा रहा है। मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी उसे, क्या करूंगा? पुतुल लिसन टू मी, तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो एंड इट्स नेचुरल, ये तो होगा ही ना, क्योंकि तुम प्यार करती हो उससे, डर रही हो उसके लिए, और अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो इसी तरह घबरा है ना। तो अब बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने अंदर के इस डर को भूलना होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं यश को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बस ये सोचो कि कौन हमारी हेल्प कर सकता है जो यश को तुम्हारी तरह जानता। उसके दोस्त का घर, उसकी फेवरेट जगह, कम से कम मुझे इतना बता सके कि मैं शहर में कहां कहां जाऊं। दिव्या दी, दिव्या, मैंने इतना ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला मुझे। हाँ तो मैं क्या बता रही थी? दिव्या तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? कोई नहीं, कुछ खास नहीं। वो फोन नहीं उठा रही, फिर से ट्राई करो प्लीज। मुझे मेरे कुर्ते के साथ कोई मैचिंग दुपट्टा मिल ही नहीं रहा था, मैंने इतना ढूंढ। फोन उठा लेना, कोई बार बार कॉल कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। क्या है? पुतुल से बात करो। हेलो, यश पता नहीं कहाँ चला गया है, सुबह स्कूल से निकला था अभी तक घर नहीं आया है। अब क्या होगा, क्या करेंगे, पता नहीं कहाँ गया होगा। निवी, निवी देख तो रो मत। अच्छा सिद्धार्थ को फोन दे। हेलो सिद्धार्थ, हुआ क्या? नाराज था वो, परेशान था किसी बात को लेके। आज उसका रिजल्ट आना था, हम दोनों से ढूंढने की इतनी कोशिश कर रहे हैं पर पुतुल को कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ जा सकता है। कितने लोगों से पूछा, उसके स्कूल भी गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। अच्छा इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो? हम माल रोड के नीचे पार्किंग में। तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। दिव्या क्या हुआ? दिव्या अब तबीयत कैसी है माँ आपकी? इस उम्र में कैसी हो सकती है तबीयत, हड्डियां बोलने लगी हैं
और ऊपर से मुझे ऐसी ठंडी जगह पर ले आए हैं। जरा सी भी हवा लगती है ना तो दर्द होने लगता है बेटा। ये तो अच्छा है कि आज मौसम कुछ ठीक ठाक है। आप ठीक कह रही हैं माँ। लाइए मैं आपके पैर दबा दूँ। अरे नहीं 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 बेटा। अरे माँ कोई बात नहीं। वैसे कहते हैं ना जहाँ जैसे लोग रहते हैं वहाँ की हवा भी वैसी ही हो जाती है, तो यहाँ की हवा में भी आसपास के लोगों का असर तो जरूर होगा। हमें उन लोगों से ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ लेकिन नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हर किसी को तो हम मिलने जुलने से रोक नहीं सकते ना। अब जैसे सिद्धार्थ तो खूब दोस्ती बढ़ा रहे हैं उन लड़कियों के साथ। वो तीनों बचपन के दोस्त हैं बेटा, और फिर हमने बच्चों को कुछ बताया भी नहीं। अगर जिस दिन सिद्धार्थ को पता चलेगा वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि किससे दोस्ती रखनी है किससे दूरी। लेकिन एक उम्र के बाद लड़कों को बहुत सारी बातें समझानी मुश्किल हो जाती है। और वो लड़कियां वो भी अब बच्ची तो नहीं रही ना, जवान है और देखकर तो लगता है काफी तेज भी है। क्यों चंचल कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। हवन में भी वो लड़कियां मुझे दिखाई नहीं दी, चली गई थी क्या? पता नहीं शायद, पर अभी अभी एक को तो मैंने देखा था वहां गेट के पास सिद्धार्थ से बातें कर रही। सिद्धार्थ हमें सबसे पहले उन सब जगह जाना चाहिए जहाँ पर यंग बच्चे आते हो। Exactly. कहाँ से शुरू करें? मॉल रोड या रिच पर जाकर देखें? नहीं नहीं पापा, तो उसे कोई भी देख सकता है। हम सबसे पहले फॉरेस्ट रोड और फिर बस स्टैंड जाते हैं और फिर सेंट बीट्स कॉलेज। क्यों नहीं भी? जल्दी चलना होगा वरना अंधेरा हो जाएगा, और अगर रात हो गई तो कहाँ ढूंढने गए हम उसे इन पहाड़ों में। पापा भी घर पहुंचने वाले हैं। कोई बात नहीं निवी, उन्हें घर पे वेट करने दे, हमें अभी यश को ढूंढना है। नहीं निवी, उन्हें अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें पता चला कि घर पे यश नहीं है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तो होने दे, पहले भी तो डांट खा चुका है ना वो, शायद उन्हें पता ही ना चले कि यश घर पे नहीं है। हम उसे ढूंढ लेंगे, वो आते ही पूछेंगे। उन्हें पता है कि आज यश का रिजल्ट था। इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास, हम जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा यश को ढूंढना। चल निवी, ये सब हम बाद में देख लेंगे। नहीं दी, अगर मैं अभी घर रह गई तो पापा को जरूर शक हो जाएगा और यश की शामत आ जाएगी। आज तो पता नहीं पापा उससे क्या कहेंगे। तो क्यों इतना डरती है निवी? दिव्या, पुतुल, तुम घर वापस जाओ, तुम्हें दादी को भी संभालना है ना, अकेले चली जाओगी ना तो घबराना मत, हम उस बंदर को लेकर ही आएंगे। ठीक है चल। जैसे यश का पता चलेगा मैं फोन करूंगा पुत्र, तुम फिक्र मत करो, यश विल बी फाइन। कान खोल कर सुन लो, 90 से एक मार्क भी कम आया ना,
इस घर में पांव रखने की जरूरत नहीं है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।